गुरुवार को मनाया गया भारतीय रेलवे का 167वां स्थापना दिवस। साल 1853 में आज के दिन पहली बार हमारे देश में ट्रेन का संचालन हुआ था। इतने सालों में ये पहली बार है जब रेलवे स्थापना दिवस पर यात्री ट्रेनों के पहिए थमे रहे। मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत ने समस्त रेल कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए यात्रियों को और बेहतर सेवा देने का विश्वास दिलाया। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारतीय रेलवे में ट्रेन चली थी बोरी बंदर और थाने के बीच में। आज उसको 167 साल हो गए हैं और हर वर्ष 16 अप्रैल रेल दिवस के रूप में और जिस सप्ताह में 16 अप्रैल आता है उसे रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इस सप्ताह में हम जितने भी हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने इस वर्ष के विगत वर्ष के दौरान अच्छा कार्य किया है उनको पुरस्कृत करते हैं, जो जोन्स होती हैं उनको पुरस्कृत करते हैं। लेकिन इस साल कोरोना के चलते हुए ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है, पर फिर भी हम उनको जो है अपने दिल में अप्रिशिएट करते हैं। और आज इस मौके पे मैं सारी जनता से आह्वान करूंगा कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए भारतीय सरकार ने जो जो विगत 2-3 दिन में जो भी नियम बनाए हैं, जो नियम हमको फॉलो करने हैं, उनका बिल्कुल कॉन्शियसली और पूरा जो है स्क्रूपलसली फॉलो करें। थोड़ा सा जो है संयम और थोड़ा डिसिप्लिन बनाए रखें और हम लोग जो है इस महामारी पर विजय निश्चित ही प्राप्त करेंगे।